हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रवीण कुमार, मैं आप लोगों को स्टडी सिलेबस में स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, आज जो है मैं आप लोगों के लिए आया हूं दोस्तों, फर्स्ट ईयर यानी कि 11th क्लास यानी कि ऑल कॉम्पिटेटिव लेवल में भी ये पूछा जाता है। मैं ऐसा सेशन लाया हूं जो दोस्तों हर एक एग्जाम में आप लोगों को प्रोवाइड किया जाता है ये क्वेश्चन। तो दोस्तों इसका नाम है स्थिर अनुपात का नियम यानी कि लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, बात समझ रहे हैं आप लोग। तो दोस्तों अगर आप लोग पूरा देखना चाहते हैं तो आप लोगों को पूरा एकदम माइंड में बैठ जाएगा, आप लोग पूरा एकदम देखें और कोशिश करें कि पूरा पूरा देखने का, क्योंकि मैं कोशिश करूंगा। कोशिश क्या करूंगा, मैं पूरा एकदम खपरिया में आपको डाल ही दूंगा, समझ रहे हैं। तो चलिए फटाफट स्टार्ट कर देते हैं। नोट दे, स्थिर अनुपात का नियम यानी कि लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन। तो दोस्तों इस नियम का प्रतिपादन जो है प्राउस्ट जी ने किए थे 1799 में, प्राउस्ट जी ने किए थे 1799 ईस्वी में, समझ रहे हैं आप लोग मेरा बात। हाँ, और यह नियम किस प्रकार है, देखिए नियम इस प्रकार है। एक रासायनिक यौगिक हमेशा, तो जान लीजिए एक रासायनिक यौगिक हमेशा ना किसी भी तत्व के ना भार के ना निश्चित अनुपात में ही जुड़ने से बनता है। निश्चित अनुपात में जब रासायनिक संयोग करता है तो एक यौगिक का निर्माण होता है। इसका परिभाषा भी होता है, जब दो या दो से अधिक तत्व रासायनिक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग द्वारा यौगिक का निर्माण करते हैं, याद रखिएगा। हाँ, तो क्या करा, एक रासायनिक यौगिक हमेशा निश्चित संघटक तत्वों के निश्चित भारों के अनुपात में संयोग करने से बनता है, समझ रहे हैं। चाहे किसी स्रोत से बने या किसी विधि से बने, मेरा बात समझ सकते हैं। यही है किनका नियम है, स्थिर अनुपात का नियम दिए थे प्राउस्ट जी ने 1799 में। ये बात आप लोगों को दिमाग में उतर गया होगा। अब बात आता है एग्जाम्पल पर, तो ध्यान दीजिएगा एग्जाम्पल पर। तो यहाँ पर जो है आप लोग देख रहे हैं हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस जब परस्पर अभिक्रिया करता है तो क्या बना देता है, जल। तो यह संतुलित है तो नहीं है, तो संतुलित हम लोग करेंगे तो किस प्रकार करेंगे, यहाँ पर टू लगा दिए और यहाँ पर भी टू लगा दिए, तो दो दूना चार, दो दूना चार, ऑक्सीजन दो तो दो दूना चार, समझ रहे, मेरा बात आप लोग समझ ही रहे होंगे। तो कहने का अर्थ मेरा यह है, क्या है मेरा कहने का अर्थ, कि इसका अनुपात निकालना है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर मेरे भाई ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन अनुपात ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान एक होता है, तो यहाँ चार है, एक चौके चार, तो मान लिया जाए कि यहाँ पर चार दे दिया तो चार अनुपात, ठीक है, फर्स्ट समझिएगा, मैं पूरा बताऊंगा डिटेल्स। और ये ऑक्सीजन का होता है परमाणु द्रव्यमान होता है 16, क्या होता है 16, और दो से गुना करेंगे तो 32 हो जाएगा। तो बताइए ई कट गया एक दाम या ई कट गया आठ दाम, चरका के पारा में एक दाम या चरका के पारा में आठ दाम, तो एक अनुपात आठ। यही ना हुआ स्थिर अनुपात का नियम, अनुपात तो स्थिर रहेगा मेरे भाई। अब देखिए ये कार्बन है, यहाँ पर ये जो है कार्बन है, तो कार्बन है, तो कार्बन जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, ये संतुलित है, एक सी दो ओ दो ओ, ठीक है। तो कहने का अर्थ यहाँ पर तीन अनुपात आठ जो आ गया है, तीन अनुपात आठ, मेरा यही अर्थ है कहने का। कैसे आया, तो कार्बन का परमाणु भार होता है 12, कितना होता है 12, ध्यान दीजिएगा कार्बन का परमाणु भार होता है 12, तो यहाँ पर हम लिख दिए 12 अनुपात, ऑक्सीजन का होता है 16, तो 16 यहाँ पर कितना ऑक्सीजन है तो दो है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 32, 16 गुना 32, ठीक है, तो 32 लिख दिए। तो इसके चरका के पारा में ये तीन बार में कटेगा और ये चरका के पारा में आठ बार, यानी कि तीन अनुपात आठ निश्चित अनुपात हुआ। अब हम लोग इधर की ओर आते हैं, तो ये तो हो गया कार्बन को, मतलब कोयला को जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गया, ठीक है, बात समझ रहे। और यहाँ पर हो गया कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड निकला कि नहीं निकला, तो निकल गया कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें कैल्शियम कार्बन और ऑक्सीजन के अनुपात क्या होगा, तो वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा एकदम डिटेल्स में। तो कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान होता है 40, तो कैल्शियम एक ही है दोनों तरफ तो एक ही लेंगे, तो 40 हो गया अनुपात। ऑक्सीजन का होता है कितना, ऑक्सीजन का होता है कितना 16, एक और एक दो, सॉरी एक और दो तीन हो गया, इधर भी तीन है, तो 16 तिहाई 48। अब आगे आप लोगों को क्या, तो कार्बन इधर भी एक है, कार्बन इधर भी, तो कार्बन का होता है 12, तो 12, तो यह जो है चरका के पारा में कटेगा, तो इसको हम लिखते चरका के पारा में तीन बार में, इसको लिखेंगे चरका के पारा में 12 चौकी 48,
इसको लिखेंगे चरगाह के फरा में 10 चौके 40, अब कोई नहीं कटेगा, तो यही आप लोगों को अनुपात निकल गया। तो दोस्तों आप लोगों कैसा लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि मुझे अच्छा लगा, समझ में आया कि नहीं आया, वो भी करें, ठीक है दोस्तों। और आगे आप लोगों को क्या चाहिए फर्स्ट ईयर से, वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। दोस्तों मैं चाहता हूं कि आप लोगों को फिजिक्स और केमिस्ट्री में पूरा प्रोवाइड करूं, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर सभी का, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो एक शेयर तो जरूर बनता है, आप लोगों के लिए मैं इतना मेहनत करता हूं तो एक लाइक तो जरूर बनता है, ठीक है। और अपने फायदे के लिए आप लोग सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस जरूर कर दे, क्यों, क्योंकि मैं जैसे वीडियो अपलोड करूंगा वैसे ही आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो चलिए दोस्तों इतना ही, पर जय हिंद जय भारत।